हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रवार है और आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप 4 इंची मसाला बनाने के ऊपर ही है। जिन बंदों को अगर मान लो 4 इंची मसाला तैयार करने में दिक्कत आती है या फिर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इसमें कितनी सीमेंट डालें, कितनी रेट डालें जिससे हमारा जो मसाला तैयार होगा वो परफेक्ट होगा। ज्यादातर जो लोग या मिस्त्री आप कह सकते हो कि कितने कितना का जो माल चलाते हैं, मतलब कि 4 इंची में और कितनी रेत सीमेंट का जो माल चलता है, सही से जो बेसिक जो यूज होता है वो कितने का रहता है। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों तो आप अगर मान लो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों आपको अगर मान लो 4 इंची दीवार का मसाला तैयार करना है, दोस्तों यहाँ पे जो बन रहा है दोस्तों ये एक बोरी का जो बन रहा है, एक बोरी इसमें डाली गई है और इसकी रेत की अगर हम बात करें तो 16 तगारी रेत इसमें डाली गई है। दोस्तों 16 तगारी में एक बोरी कन्वर्ट होगी, इसके अंदर जो मसाला तैयार होगा दोस्तों वो काफी अच्छा रहेगा। इसमें ना तो सीमेंट ज्यादा रहेगी और ना ही इसमें सीमेंट कम रहेगी। ये जो 4 इंची जुड़ाई के लिए मतलब परफेक्ट माल रहेगा। 4 इंची जुड़ाई के लिए आपको ऐसा ही माल, 4-1 का माल इसको बोलते हैं, 4-1 का माल आपको ही बनाना है। आपको अगर मान लो एक बोरी का माल नहीं बनाना है या फिर मान लो कम बनाना है इससे, तो आपको 4 तगारी रेत डालना है, उसमें 1 तगारी सीमेंट डालना है। आप इस तरह से भी बना सकते हो या फिर आप 16 तगारी रेत डाल दीजिए उसके अंदर और 1 बोरी सीमेंट डाल दीजिए अगर पूरी बोरी का बनाना है तो। दोस्तों तो आपको इसी तरह से माल बनाना है। 4 इंची चौड़ाई या 4 इंची दीवार के लिए यही माल परफेक्ट रहेगा। आपको इससे ना तो कम चलाना है और ना ही इससे ज्यादा चलाना है। अगर आप इसमें ज्यादा रेत डालोगे तो सीमेंट की मात्रा कम हो जाएगी और अगर मान लो रेत कम डालोगे तो सीमेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, जो वो भी अच्छी नहीं है। दोस्तों तो इसीलिए आपको इसी तरह से माल बनाना है। जिन बंदों को आता है उसके लिए कोई बात नहीं, जिन बंदों को नहीं आता उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हाउसफुल रहेगा। दोस्तों धन्यवाद।